दोस्तों अब आप किसी भी फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट मोड ऑन करके 5G को इस्तेमाल कर सकते हैं। सही सुना गाइस आपने, अगर आपके फोन के अंदर भी दोस्तों यहां पर फ्लाइट मोड दिया हुआ है, एरोप्लेन मोड दिया हुआ है, तो बस आपको इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद दोस्तों आपके फोन के अंदर 5G इंटरनेट चलने लगेगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन इस वीडियो के अंदर जब मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा तो आप देख करके चौंक जाएंगे। सही सुना गाइस आपने, ऐसा मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रूफ दिखाऊंगा। फ्लाइट मोड ऑन करके आपके फोन के अंदर चलने वाला है 5G, वो भी एकदम हाई स्पीड के अंदर। तो कैसे दोस्तों आप अपने फोन में फ्लाइट मोड ऑन करके 5G इस्तेमाल करेंगे, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप किसी भी फोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट मोड ऑन करके 5G इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, इसके पीछे दोस्तों कुछ हिडन ट्रिक है जिसे आपको अपने फोन के अंदर लगाना है, उसके बाद बस आपको फ्लाइट मोड ऑन कर देना है और आपके फोन के अंदर 5G इंटरनेट चलेगा। सही सुना गाइस आपने, और ये चीज़ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने फोन का जो मेन सेटिंग होता है उसे ओपन कर लेना है। ठीक है, तो हमारे फोन का ये रहा सेटिंग, हम इसे ओपन कर लेते हैं। अब आपके फोन में चाहे कोई भी सिम हो, जियो, एयरटेल, VI, कोई भी सिम कार्ड हो, सभी सिम कार्ड पर दोस्तों ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी कंपनी का आपके पास फोन भी रहेगा तो भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी कंपनी के फोन पर भी ये ट्रिक आसानी से काम करता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, नेटवर्क और इंटरनेट वाला ये जो सेटिंग दिया हुआ है इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपको इंटरनेट के ऊपर क्लिक करना है। अब जिस सिम में दोस्तों आप इंटरनेट चलाते हैं उस सिम को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कोई भी सिम कार्ड आप यूज करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिम कार्ड को सेलेक्ट करेंगे तो उस सिम का जो सेटिंग होता है इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। देख सकते हैं ये पूरा जो है जियो सिम का सेटिंग है। अब आपके फोन में एयरटेल होगा तो यहाँ पर एयरटेल का सेटिंग होगा। ठीक है, तो हमने जियो सिम के सेटिंग के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिम के अंदर एक सेटिंग दिया हुआ है जो कि है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप। जैसा कि आपको पता है जियो 5G लॉन्च हो गया है और एयरटेल 5G भी लॉन्च हो गया है, VI 5G भी लॉन्च हो गया है, मतलब कि हर एक सिम का जो है 5G लॉन्च हो गया है। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अपने सिम में 5G को यहाँ से इनेबल कर देना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने अपने फ़ोन में 5G को इनेबल कर दिया है, यहाँ पर 5G नेटवर्क आ रहा है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, होम पेज पर यहाँ से आ जाना है और यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में करना है। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए हमारे फ़ोन में क्या चल रहा है, 5G। ठीक है, 5G हमारे फ़ोन में आ चुका है। अब हमने दोस्तों कर दिया अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगर हम अपने फ़ोन में इंटरनेट चलाने जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेट नहीं चल रहा है, लाइक आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं, है ना, इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो अब आपको करना क्या है, कैसे आप फ्लाइट मोड में 5G को इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन में डायलर पैड को ओपन करना है। यहाँ पर दोस्तों एक कोड डायल करना है, वो कोड यहाँ पर आप देख लीजिए, *#*#4636, ये कोड आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अब आपको आगे वापस से क्या करना है, *#*#*#, ये जैसे आप दोस्तों कोड डायल करेंगे आपके फ़ोन के अंदर जो हिडन सेटिंग होता है ना वो यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली आपको करना है, ये जो फ़ोन इन्फॉर्मेशन दिया है इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से दोस्तों कुछ सेटिंग ओपन होके आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर मोबाइल रेडियो पावर करके एक सेटिंग देखने को मिलेगा, आप यहां पर देख सकते हैं, और ये बंद है। तो इस सेटिंग को दोस्तों आपको यहां से ऑन कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपने फ़ोन के अंदर ये जो मोबाइल रेडियो पावर था जो बंद हो गया था उसे यहां पर ऑन कर दिया। अभी भी हमारा जो फ़ोन है वो फ्लाइट मोड में है। लेकिन दोस्तों अब हमारे फ़ोन के अंदर एक कमाल की ट्रिक लग चुकी है कि हमारा फ़ोन फ्लाइट मोड में होते हुए भी 5G चलाएगा। सही सुना गाइस आपने, यानी कि दोस्तों अब आप अपने फ़ोन में YouTube ओपन करने जाओगे, जैसे कि सब कुछ यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे फ़ोन के अंदर वो ट्रिक लग चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं YouTube ओपन करूँगा फ्लाइट मोड में ही, तो हमारा YouTube फटाक से यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए। प्ले स्टोर ओपन करने जाऊँगा, प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। कोई गेम डाउनलोड करना है, गेम डाउनलोडिंग पर यहाँ पर जो है लग जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जिसे भी दोस्तों आप डाउनलोड करना चाहें यहाँ पर फटाक से जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कोई भी गेम है, कोई भी एप्लीकेशन है। देख रहे हो हर एक चीज़ दोस्तों हो रहा है, हमारा फ़ोन अभी भी फ्लाइट मोड में है।
और यहाँ पर मैं आपको एक काम करता हूँ, इंटरनेट स्पीड टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हम गो के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो इंटरनेट स्पीड आएगा ये थोड़ा सा यहाँ पर कम दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इस समय मैं रूम के अंदर वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं बाहर जाऊंगा ना, ये जो इंटरनेट स्पीड है ये भाई पूरा रेड में हो जाता है। अभी आप समझ सकते हैं कि भाई जब हम एक रूम के अंदर वीडियो बनाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा नेटवर्क की इशू होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों फ्लाइट मोड के अंदर भी दोस्तों आपको इतना ज़्यादा हाई स्पीड मिलेगा इंटरनेट कि आप देख करके चौंक जाने वाले हैं। प्रूफ तो आपने यहाँ पर खुद देख लिया, इंटरनेट स्पीड टेस्ट करके भी दिखा दिया। अब रूम के अंदर थोड़ा हाई स्पीड तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों आप समझ सकते हैं जब आउटडोर में आप जाएंगे तो आपको कितना हाई स्पीड मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने फोन में फ्लाइट मोड ऑन करके भी 5G इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।